हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे तड़पती धूप में राहत देने वाली नारियल के आइसक्रीम। और आपको पता है, मैंने इसको बस 3 इंग्रेडिएंट से बनाई है, और वो भी बिना गैस चलाए। यकीन नहीं हो रही है ना? तो फिर वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ेदार एक आइसक्रीम आप खा पाओगे। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बनती है और बाहर की कोई चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती है, तो आप भी खुश। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियलिस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए कोकोनट। मैंने यहाँ पे फ्रेश वाली ली है, आप चाहो तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट ले रहे हो तो इसको थोड़ी देर के लिए आप गर्म दूध में भिगा के रखना, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे डालनी है एक मिक्सर के जार में। ये फ्रेश वाली नारियल थी ना, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही डाल दी है। और दूध भी मैं इसमें डालूंगी, लेकिन अलग से। अगर आप डेसिकेटेड कोकोनट को भिगा के रखते हो ना दूध में, तो अलग से दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 1 कप जितना दूध डाल दी है। दूध ना थोड़ा सा ठंडा है। 8-10 बड़े चम्मच जितना मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है। अब नारियल के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों, थोड़ा सा नारियल खा के देखना आपको कितना चीनी चाहिए, उसी के हिसाब से आप इसमें चीनी डालना। उसके बाद हम इसमें थोड़े से इलायची का बीज डाल देंगे। हम तो इसको ग्राइंड करने ही वाले हैं, तो इलायची का बीज ना अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। आप चाहो तो पाउडर भी डाल सकते हो। अभी ढक्कन को बंद करके हम इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये लो दोस्तों, मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर ली है, और आप देख भी सकते हो कितनी एक फ्रॉदी सा लुक आया है इसमें, है ना। अभी आपको लेना है, जिसमें भी आप आइसक्रीम को जमाना चाहते हो वो मोल्ड आपको लेनी है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो उसके बिना भी आप कैसे बना सकते हो, वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। तो फिलहाल इस तरीके से हम, ये देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा फ्रॉदी फ्रॉदी लग रही है ना। तो बस इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा आपको गैप रखनी है ऊपर से, क्योंकि ये जो नारियल है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस करके रखे हैं, इसको मैं डाल रही हूँ। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डाल दोगे तो जब भी आप आइसक्रीम खाओगे तो थोड़ा थोड़ा ना मुंह में पड़ेगा फ्रेश वाली नारियल, बहुत ही मज़ा लगता है। तो बस इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद आपको लेना है एक चम्मच, और उसकी मदद से इस तरीके से अंदर हम डाल देंगे। नहीं तो क्या होगा, ये ना ऊपर ऊपर ही रहेगी, जब भी आप आइसक्रीम खाओगे तब वो नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से अंदर डाल देने से वो अंदर रहेगा, और हर एक बाइट में आपके मुंह में पड़ेगी फ्रेश नारियल की फीलिंग। अच्छे से हम इसको अंदर डाल देंगे, और उसके बाद आपको लेनी है एक सिल्वर फॉयल, या फिर आप एक प्लास्टिक की थैली भी काट के ले सकते हो, लेकिन एक रबर बैंड से उसको बिल्कुल कवर कर देनी है। कोई भी आइसक्रीम आप जमाओ ना, तो ऊपर का जो पार्ट है उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो ऊपर बर्फ़ की जो क्रिस्टल है वो जम जाती है, और जब ये आप खाओगे तो फीका फीका सा लगेगा आपका आइसक्रीम। तो इस तरीके से बिल्कुल कवर कर देने के बाद इस तरीके से हम इसका मार्क कर देंगे, ताकि हम जब इसमें पॉप्सिकल की जो डंठल है वो लगाए तब बिल्कुल सेंटर में लगे, ठीक है ना। तो जो पॉप्सिकल की जो डंठल होती है ऊट की, मैंने वो ख़रीद के रखी थी, तो इस तरीके से हम एक नाइफ़ की मदद से बिल्कुल बीचों बीच थोड़ा सा छेद कर लेंगे। मोल्ड के साथ ही कुछ डंठी भी दिया जाता है दोस्तों, जब भी आप ख़रीदते हो ना तभी दे देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक देने के लिए ऐसा कह रही हूँ। तो इस तरीके से हम सारे अंदर डाल देंगे, और उसके बाद इसे आपको रखनी है फ्रीज़र में कम से कम 6 से 7 घंटे तक। अब फ्रिज के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों, कुछ कुछ फ्रिज बिना जल्दी हो जाती है, कभी कभी टाइम लगती है। तो ये लो, मैं आपको बता रही थी ना कि बिना मोल्ड के आप कैसे बना सकते हो। तो आपको लेनी है कॉफ़ी का कप, जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, या फिर आप ना घर में पड़ी हुई जो छोटे छोटे ग्लासेस है उसमें भी जमा सकते हो। सारी चीज़ों में ना यह बहुत ही अच्छे से जम जाती है और बहुत ही अच्छी बनती है। बस इस तरीके से आपको कवर कर देनी है, और फिर से डंठल लगा देनी है, और इसको भी उतने ही टाइम आपको फ्रीज़र में रखनी है 6 से 7 घंटे तक।
अब ये इतनी अच्छी बनती है ना दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल आपको भी अपने बचपन का याद आ जाएगा। बचपन में हम कैसे खाते थे ना नारियल के आइसक्रीम जो हमारे घर के सामने आते थे। 6 से 7 घंटे हो गए हैं दोस्तों, मैं आपको डिमोल्ट करके दिखा देती हूँ। इतनी गर्मी है यहाँ पे आज, तो इसलिए इसको पानी में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये ऐसे ही निकल के आ गई। मतलब कि आइसक्रीम ऐसे ही निकल के आ जाएगी, आप देख लेना, गर्मी बहुत है। ये देखो, अगर निकलती नहीं है ना तो आप थोड़ी देर के लिए इसको पानी में रख सकते हो तो ये जल्दी निकल जाएगी। अब यहाँ पे गर्मी बहुत है तो ये ऐसे ही निकल गई। ये देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है ना, और बनाना कितना आसान है, एक छोटा सा बच्चा भी बना सकता है। तो इसको तो एक बार घर पे ट्राई करना ज़रूर बनता है, और बना के ना मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके वाले फ्रेश नारियल के पॉप्सिकल्स कैसी बनी है। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।